बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो भी बनाई थी सल्फ जनरेटर पे, तो आज हम फिर एक मरतबा बिलालगंज में आए हैं। सल्फ जनरेटर नई लाट आई है हाजी शकील साहब के पास, तो हम इनसे पूछते हैं इनके पास कौन कौन सी गाड़ियों के सल्फ जनरेटर ज़्यादा से ज़्यादा आए हैं, क्योंकि हमारे जो मैकेनिक भाई हैं और जो इलेक्ट्रिशन हजरात हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये वीडियो होने लगी है। तो हम मजीद आगे हाजी शकील साहब के पास जाते हैं उनसे बात करने से पहले दोस्तों आप प्लीज़ हमारे चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करते रहा करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको बआसानी तरीके से मिलती रहे। तो चलते हैं हम हाजी शकील साहब के पास। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, मैं हूँ बिलालगंज हाजी शकील साहब के पास, तो हम इनसे जानते हैं इनके पास कौन कौन सी सल्फ जनरेटर की लाट आई है। हमें ये भी साथ साथ बताते हैं, उस साथ साथ हम इनका नंबर भी लेंगे। तो अगर जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हाजी शकील साहब के पास और उनसे हम जानते हैं उनके पास कौन कौन सी गाड़ियों की जो लाट आई है सल्फ जनरेटर की, हम उनसे बात करते हैं और साथ साथ आपको इस मरतबा नंबर भी शेयर करेंगे, ताकि आप फोन के ऊपर ही उनसे बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा साहब, आपके पास नई लाट आई है, तो हमारे दोस्तों को भी साथ साथ बताएं कि कौन सी गाड़ी का कौन सा सल्फ और कौन सा जनरेटर है, और साथ साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि बड़ी गाड़ियों वाले जो ट्रक वाले हैं, यूरो वाले हो गए, उसके बाद जो बस वगैरह, इनके भी साथ साथ हमें बताइएगा। सर मेरे पास जो है ना, बस के भी सल्फ स्टार्टर है, ये कैट का है, बड़े जनरेटर का, कैटरपिलर का है। जी जी, कैट का भी है, कॉमिंस का भी है हमारे पास, कॉमिंस का जनरेटर ये हमारे पास है, ये कैट का भी, इसके जनरेटर भी हमारे पास अवेल है, और ये हिनो यूरो 24 वोल्ट, ये भी 24 वोल्ट सब, ये तो बिल्कुल ब्रांड न्यू सल्फ है। सर जी, दोस्तों जी, ये जो हमारे भाई हैं इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक है, ये वो चीज चेक कर सकते हैं, ये इसके बोल्ट वगैरह आप देखें, ये ब्रांड न्यू चीज है। ये इनके पास लाट जो आई है बहुत ही कमाल है, बहुत ही शानदार चीज है। आप दोस्त जितने भी देख रहे हैं वीडियो, तो दोस्तों ये आप चीज चेक करें, ब्रांड न्यू चीज है। और साथ साथ भाई साहब जनरेटर हमें बता रहे थे, ये कॉमन्स का जनरेटर है, कॉमन्स का जनरेटर, कैट का जनरेटर भी हमारे पास है, ये देखिए आप, बहुत ही शानदार चीज है। ये वीगो के जनरेटर है, ये वीगो का? वीगो के, जी वीगो, वीगो और रिवो, रिवो दोनों, रिवो दोनों को लगता है, वीगो और रिवो दोनों को लगता है। ये इनके सेल्फ ब्रांड न्यू लग रहा है, जैसे कंपनी से आप लेके आए हैं। इनके सेल्फ भी हमारे पास है और जनरेटर भी हमारे पास अवेल है। अच्छा, ये सही बताएं, ये कंपनी से लिए था, ये लाट में से, ये लाट के होते हैं, लाट के, ये मेरी थाईलैंड का जनरेटर, थाईलैंड का। और हाई साहब अभी ये बताएं, ये जनरेटर कौन, ये लिफ्ट का जनरेटर, लिफ्टर के जनरेटर है, टीसीएम के लिए, लिफ्टर का, जी कोक में, ये पेप्सी में, जिसमें कंपनी में लिफ्टर यूज होते हैं, जी जी, उनके लिए सेल्फ है, लिफ्टर के लिए, और ये जनरेटर। अच्छा, ये सेल्फ है जी, और ये जनरेटर है, ये जनरेटर है। दोस्तों जितने भी हमारे भाई इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक देख रहे हैं, ये ब्रांड न्यू चीज है, तो जेन्युइन। अच्छा, ये कौन सी गाड़ी का? ये सुजुकी चैंबर के लिए है, बुलान, बुलान के लिए, बुलान को भी लगता है, पिकअप को, पिकअप दोनों को लगेगा, जापानी है, जापानी सेल्फ है। इसमें हमारे पास जो है वो लोकल मेड भी अवेल है, और ये जापानी भी अवेल है, हमारे जापानी। और आई साहब ये बताए, ये कौन सी गाड़ी? स्पोर्टेज का सेल्फ है। दोस्तों ये किया स्पोर्टेज का सेल्फ देखे आप, जी टोटल जेन्युइन है, और ये हमारे पास सेल्फ है, देखें ये किया स्टोनिक का। अब हम ये किया स्टोनिक का हमें दिखा रहे हैं, किया स्टोनिक का स्टोनिक गाड़ी है, ये किया स्पोर्टी जब किया स्टोनिक है, बहुत ही शानदार ये लाट आई है। ये सेल्फ है होंडा रिबोन के लिए, होंडा रिबोन रिबर्थ, ये दोनों को लगे, दोनों को लगे, और स्विक जो है 2023 उनके भी सेम सेल्फ यही है, इसमें इनमें कोई फर्क नहीं है रिबोन में। और ये 7 मॉडल से स्टार्ट है, 6 मॉडल से, और 2023 तक ये यही चल रहा, यही चल रहा, यही है, कमाल है। लेकिन सर हमें चेंज किया उन्होंने, इसकी स्पीड 80 कर दी, हाई स्पीड कर दी है, स्पीड 2023 में स्पीड इनको अच्छी कर दी है, साउंडलेस हो गई, साउंडलेस हो गई, यानी बहुत बेहतर कर दी है, बेहतर कर दी है। ये है 24 वोल्ट का, ये ऐसा कौन सी गाड़ी के लिए है? सलोन के लिए है, पोस्टर सलोन के लिए, पोस्टर सलोन 24 वोल्ट के लिए है। इसके लिए है कि इसमें आप फिटिंग आप चेंज करेंगे, तो आप फिर डैम्पर को, एक्सीवेटर को,
हर गाड़ी को आप यूज कर सकते हैं। ये जुबानी चीज है, हाउसिंग वगैरह अगर चेंज कर सकते हैं तो ये यूरो को भी लग सकता है, सीजन लग सकता है, हर गाड़ी को, हर गाड़ी को ये इसे यूनिवर्सल 24 वोल्ट है और इसमें अगर 12 वोल्ट देंगे तो आपको हर ट्रैक्टर के लिए वो भी अवेलेबल मिल जाएगा। ऐसा भी इसे यूनिवर्सली बोल रहे हैं क्योंकि हर गाड़ी अपने फिटिंग चेंज करनी है। जी जी, और दो आज तो आप जितनी आज व्हीकल्स हैं तो इसमें आप लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। और ऐसा साहब ये आप जनरेटर ये बताएं ये कौन सी गाड़ी है? ये हीनो डेट्रो का जनरेटर है, ये हीनो डेट्रो का जनरेटर आ गया। ये देखें ये काबरी है, ओरिजिनल है, अभी जिस कंडीशन में है जी, जी। इसकी वर्किंग होगी जो ना वॉश होगा फिर ये जीरो मीटर कंडीशन में आ जाए, यानी कि वॉश करना इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही फिट कर सकते हैं जी, जी। इसमें कोई हीलो जो नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। दोस्तों ये जो लाड है माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छा माल है। और ये BRV का जनरेटर है, ये BRV का जनरेटर है, BRV होंडा। जी जी, ऐसा बहुत ही माशाल्लाह मलाई। ये हुंडई शागर के लिए है, ये जापानी वैगनार के जनरेटर है। सॉरी ये किसके लिए है? हुंडई शागर के लिए, शाजोर के लिए। आज हमारे जो भाई मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन देख रहे हैं ये हमारी वीडियो, ये खुद वो फैसला करेंगे ये क्या चीज है। लाड बहुत ही शानदार है। ये जेट दिखाओ भैया, वाला जरा कोरे का जेट दिखाओ, कोरे मीरा का जेट दिखाओ। लो जी कोरे मीरा, देखिए आप जेट चेक करें, ये माशाल्लाह ये जेट चेक करें आप, ये लाट है, लाट में और अनफिट जनरेटर है, मैंने जापान है, मैंने जापान है, बहुत ही आला चीज है ये। चलो दिखाओ शागर के लिए, वहां से 11 बजे पड़े सामने। ऐसा साहब ये देखें, ये सेल्फ ओरिजिनल है, ये सब कौन सी गाड़ी है? हुंडई शाजोर के लिए, हुंडई शाजोर का। आप पीछे लुक देखिए करें ये सेल्फ, तो ये तो बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहा है मुझे तो। अब जो हमारे में ये है कि हम कहते हैं वही देंगे आपको, बहुत ही शानदार लाड है साहब के। टोयोटा के कोई सब ट्रैक्टर के पार्ट्स हैं, सेल्फ जनरेटर वो भी हमारा अवेलेबल है। जनरेटर जेट दिखाओ ट्रैक्टर के लिए बेटा, ट्रैक्टर के लिए ये सेल्फ भी आ गए। ये ट्रैक्टर का मैसी के लिए है, मैसी के 240 के 240 135 260 को, यानी कि एक ही फिटिंग लगेगी, एक ही फिटिंग लगेगी, ठीक होगा। ये देखिए जेन्युइन मोटर लगी हुई है बिल्कुल। और ये जनरेटर आ गए, ये ट्रैक्टर के लिए जनरेटर है हमारे पास। ये ट्रैक्टर जितने भी ट्रैक्टर है, तमाम ट्रैक्टर के जनरेटर अवेलेबल हमारे पास। ये एक ही बेशक आप इनसे सेल्फ रिपेयर करवाएं या इनसे काबली लें, ये 1 वीक की आपको गारंटी भी देते हैं, ताकि अगर सेल्फ जनरेटर में कोई मसला हो तो 1 से 2 दिन में आपको इजीली पता चल जाता है सेल्फ लोड ले रहा है, सेल्फ लग नहीं रहा, गाड़ी स्लिप हो रही है और मुख्तलिफ किस्म के फॉल्ट होते हैं। हमारे चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो बआसानी तरीके से आप देख सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह चाहूंगा कि कोई भी सामान रिपेयरिंग एबल है वो हम रिपेयरिंग भी करते हैं, न्यू भी सबसे काबली सेल करते हैं और रिपेयरिंग भी करके देते हैं। हमारे पास दोनों फैसिलिटीज मौजूद हैं। अगर ये कोई पार्ट्स खुलता है उसमें से सिंगल को पीस अगर बैंडेज खराब है या कोई आर्मेचर खराब है, आर्मेचर वो चेंज हो जाता है, पूरा सेल्फ आपको ओके हो जाता है। लाजमी नहीं है कि आप पूरा सेल्फ ही परचेज करें या पूरा जनरेटर परचेज करें हमारे से आप, क्योंकि हमने कस्टमर को जो है वो बेनिफिट देना होता है। जी जी बिल्कुल, ताकि कस्टमर हमसे मुतमिन रहे। जी दोस्तों, हाई शकील साहब जैसे बता रहे हैं कि वो रिपेयरिंग भी करते हैं, ये ना हो गया आपका मिसाल के तौर के ऊपर सल्फ का यानी कि कार्बन ही खराब है तो वो कह रहे हैं हम कार्बन ही आपके चेंज करेंगे। अगर गाड़ी का आर्मेचर खराब है तो सल्फ का आर्मेचर ही चेंज किया जाएगा, ये नहीं होगा कि आप ये रख दें और नया ले जाएं। जो आपका मौके पर फायदा हो सकता है ये लाजमी आपको वो करके देंगे ताकि आपको इसका फायदा भी हो। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ दोबारा नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।